हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। मैं हूं जसबीर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप किस तरह से अपने हाथों को सॉफ्ट रख सकते हैं, इन्हें 10 टाइम यंगर दिखा सकते हैं, इन्हें रिंकल फ्री रख सकते हैं। बहुत बार होता है कि हम अपने हाथों को निगलेक्ट कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं, हमें अपने हाथों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूज़फुल से एक्सरसाइज एंड साथ ही साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको एक्सरसाइज करनी है एवरीडे बेसिस के लिए, में 5 मिनट के लिए, एंड आपके हाथ जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, रिंकल फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हाथ हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा वीडियो को टिल द एंड कि मैंने कौन कौन से एक्सरसाइज आपके साथ शेयर किए हैं। टिप नंबर 1, जब भी आप हैंड वॉश करते हैं, ध्यान रखिए आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स अपने हाथों को वेल मॉइस्चराइज करें, बिल्कुल भी उन्हें इस तरह से ना छोड़ें। बिकॉज हमारे हाथ जो है, जब हम उन्हें पानी में, जब हम सोप यूज़ करते हैं, तो हमारे हाथ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, और जो मॉइस्चर है उनमें वो चला जाता है। टू रिगेन द मॉइस्चर, आपको अपने हाथ को अच्छे से वेल मॉइस्चराइज करना है। आप कोई भी आपका फेवरेट लोशन है या ग्लिसरीन है या विटामिन ई वैसलीन से भी आप अपने हाथों को वेल मॉइस्चराइज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल यूज़ करके अपने हाथों का वेल मॉइस्चराइज कर सकते हैं। मेक श्योर करें आप रात को जब आप सोने जाएं या सुबह जब आप उठें, आप अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर लें। जिस तरह से अपने फेस को मॉइस्चराइज रखते हैं, आपको अपने हाथों को भी उस तरह से मॉइस्चराइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 2, जब भी आप यूटेंसिल वॉश करते हैं, ध्यान रखिए आप ग्लव्स पहनना बिल्कुल ना भूलें। बिकॉज जो डिश वॉशिंग जो लिक्विड होते हैं, सोप होते हैं, जो भी आप यूज़ करते हो, वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं हमारे हाथ के लिए। ये हमारे हाथ को ड्राई कर देते हैं, रिंकल उसमें फॉर्म्स हो जाते हैं, हमारे हाथ जो है रफ़ हो जाते हैं। तो जब भी आप यूटेंसिल वॉश करें, आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत ईजिली आपको किसी भी स्टोर में आपको ग्लव्स मिल जाते हैं, हैंड ग्लव्स, एंड उसके बाद ही आप यूटेंसिल्स को अच्छे से वॉश करें। तभी हमारे जो हाथ है वो सॉफ्ट रहेंगे, रिंकल फ्री रहेंगे और 10 टाइम यंगर, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। टिप नंबर 3, जिस तरह से हम अपने फेस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम यूवी रेज, हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, हमें अपने हाथों को भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप बाहर जाते हो, अपने हाथों पे अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। बिकॉज हमारे हाथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा सन में एक्सपोज होते हैं, तो हमारे हाथों में रिंकल्स फॉर्म होने के डर हैं, स्किन सैग हो सकती है, ड्राई हो सकती है, सन टैन हो सकता है। तो हाथों को भी उतना ही हमें प्रोटेक्ट करना है यूवी रे से, तो सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। टिप नंबर 4 इज़ टू एक्सफोलिएट योर हैंड। जी हाँ, जिस तरह से हम अपने फेस को एक्सफोलिएट करते हैं, डेड स्किन निकालते हैं, हमें अपने हाथों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, इन्हें एक्सफोलिएट करना चाहिए। बिकॉज जो भी हमारे हाथ में जो डेड स्किन है, टैन है, जो डेड क्यूटिकल्स हैं, उन्हें भी निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप DIY हैंड स्क्रब यूज़ कर सकते हो, और आप रेगुलर स्क्रब जो होता है उससे भी, बॉडी स्क्रब, उससे भी अपने हैंड को अच्छे से स्क्रब कर सकते हो। जो मैं यूज़ करती हूँ वो एक DIY स्क्रब है, उसमें मैं शुगर ऐड करती हूँ, ऑयल ऐड करती हूँ और थोड़ा सा लेमन जूस, एंड फिर मैं अपने हाथों को अच्छे से स्क्रब करती हूँ। वीक में इसमें 2 से 3 बार करती हूँ, एंड उसके बाद, एंड ध्यान रखें स्क्रब करने के बाद अपने हाथों को मॉइस्चराइज ज़रूर करें, उन्हें ऐसा बिल्कुल मत छोड़िएगा। बिकॉज स्क्रब के बाद हमारे हाथ जो है, जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है। तो रिगेन टू मॉइस्चर, हमें अपने हाथों को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टिप नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल। हम सबको ये पता है, हमें बहुत सारा पानी कंज्यूम करना है, बहुत सारे वेजीज खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, एंड अपना ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करना है। इससे हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, फ्रॉम इनसाइड हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और बहुत यंग दिखती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो ध्यान रखिए, कंज्यूमिंग वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव ऑन विद द एक्सरसाइज पार्ट, जो आपको डेली बेसिस पे करना है टू गेट अ यंगर लुकिंग हैंड, 10 टाइम यंगर लुकिंग हैंड, एंड साथ ही साथ आपके हाथों को ये सॉफ्ट रखेगा, रिंकल फ्री रखेगा, एंड जो आपकी स्किन सैग हो रही है उसे भी वो कंट्रोल करेगा। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 1 है, पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से वार्म अप करना है।
So that was all in today's video. I hope you guys enjoyed this video and find it productive. वीडियो अच्छी लग गई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक एंड शेयर, साथ ही साथ कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है. प्रेस कीजिएगा रेड बटन को, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन को टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हैं. आप सब अपना ध्यान रखिए. स्टे ब्यूटिफुल एंड आई विल सी यू गाइस सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल.